गुड मॉर्निंग उत्तराखंड, आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। वहीं बीते शनिवार को पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें विभाग के तमाम वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए थे और पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए इस पर मंथन किया था। वक्ताओं ने कहा कि राज्य में वनाग्नि एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस पर प्रदेशवासियों के सहयोग के बिना नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। वहीं प्रसिद्ध पर्यावरणविद और जल पुरुष के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह ने साफ किया कि विकास कार्य के नाम पर अब प्रदेश को एक और डिजास्टर नहीं चाहिए। इसमें जो भी इन्होंने रोडों का चौड़ीकरण किया, पहाड़ियों को काटकर जो मिट्टी नदी में डाली, उस नदी से हमारी जो रिवर सिस्टम है, उस रिवर सिस्टम की हेल्थ में बड़ा डिजास्टर हुआ है। जब ये फर्टाइल सॉइल उसमें आती है और उस नदी के बेस फ्लो में जमने लगती है, तो नदी का बेस फ्लो ऊपर उठने लगता है, और जब नदी का बेस फ्लो ऊपर उठता है तो जहाँ पानी बहता है वहाँ पत्थर और मिट्टी भरी होती है, तो फिर वो पानी शहरों में घुसने लगता है, वो बाढ़ आने लगती है बारिश में, और फिर डिजास्टर होता है, जैसा कि पहाड़ में आप लोगों ने डिजास्टर देखा है। ये जो डिजास्टर है, ये हमारे ऑल वेदर रोड का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हमें अब और नए डिजास्टर हिमालय में नहीं बुलाने चाहिए, हमें ऐसे सरल रास्ते, सुरक्षित रास्ते ही अपनाने चाहिए जिसमें हमारा खर्चा भी कम हो और हमारे लिए अच्छा भी। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को अब IRCTC लजीज स्वादिष्ट भोजन मुहैया कराएगा। यात्री ट्रेनों में सफर के दौरान ही IRCTC की मोबाइल एंड फूड ऑन ट्रैक से लजीज खाने की बुकिंग कर सकते हैं। IRCTC यात्रियों को ट्रेन में सीट पर भोजन मुहैया करा रहा है। पहले चरण में यह सुविधा नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगी, जबकि अगले चरण में देहरादून, लखनऊ, कोलकाता, पटना जैसे स्टेशनों पर भी यह सुविधा मिल सकेगी। चारधाम में ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता समाप्त करने और जगह जगह बैरियरों पर यात्रियों को रोके जाने के विरोध में यात्रा कारोबारी लामबंद होने लगे हैं। उत्तरकाशी में होटल कारोबारियों ने सरकार के विरोध में गंगोत्री हाईवे चक्का जाम करने का निर्णय लिया। आज होटल कारोबारी गंगोत्री हाईवे पर चक्का जाम कर अपना विरोध जताएंगे। बाबा केदार के दर्शनों के लिए हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले 29 दिनों की बात करें तो हेलीकॉप्टर के 8,863 शटल में 79,367 यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं, जबकि दर्शन करके 48,454 यात्री वापस लौट आए हैं। इसके बावजूद हेली सेवा के लिए काउंटर से 2 से 3 दिन बाद टिकट मिल रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में पुलिस ने उत्तराखंड में 3 दिनों के भीतर 258 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए हैं। DGP के अनुसार हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए लाउडस्पीकर उतारने के आदेश दिए थे, जिसके लिए 1 जून से अभियान चलाया जा रहा है। चमोली के कोड़िया गांव के ग्रामीण पानी के संकट से जूझ रहे हैं। गांव की महिलाएं अपने छोटे छोटे ननिहालों को घर पर छोड़कर पानी के लिए दूर तक का सफर तय कर रही हैं। मामले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र नेगी का कहना है कि पानी सबको मिलना चाहिए। उन्होंने NH और जल संस्थान से आग्रह किया है कि पानी की पूर्ति की जाए। अपनी महिला मंगल दल को भी मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो इस धूप में भी लगे हैं अपने गाँव के पानी के लिए, अपनी गाय बच्चियों के लिए, अपने खुद पीने के लिए। गर्मी का मौसम है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ही नहीं, मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूँ अपने NH का, जो वहाँ पे ऑल वेदर की रोड का सिलसिला है या ऑल वेदर रोड आ रही है, तो हमारे महिला मंगल दल जब वो ग्रही तोप से एक मेवाड़ नाम का तोप है, ग्रही के ऊपर जस्ट वहाँ पर स्रोत है, वहाँ चश्मा है पानी का, वहाँ से डायरेक्ट जो है चश्मे से पानी जो है गाँवों को वितरण होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ NH को भी और सरकार को भी, प्रशासन को भी, कि मेरी संज्ञान में आया है कि वहाँ पे जो है कि NH द्वारा जो है कि महिला मंगल दल को डिस्टर्ब किया जा रहा है, कि उनका पानी तोड़ दिया जा रहा है। वो बेचारे सारे मेहनत करें मेरी माताएं बहनें, और उनको तुम निराश करें, अरे लोग तो प्याऊ लगाते हैं। थराली में सिमल सैंड के निवासियों ने ट्रंचिंग ग्राउंड निर्माण का विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि केवल ट्रंचिंग ग्राउंड के आसपास ही उनके पास भूमि उपलब्ध है। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर नगर पंचायत में एक शिकायत पत्र भी अधिशासी अधिकारी को सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने चेताया है कि यदि यहां पर ट्रंचिंग ग्राउंड का निर्माण शुरू किया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। वहां पे एक तो जमीन है, वहां पे आने वाली पीढ़ी वहां पे बसने वाली है, क्योंकि ऊपर से गाँव खिसक रहा है, सबसे जरूरी बात यह है। और अगर हम आज विरोध नहीं करेंगे तो कल के दिन हमको भुगतना पड़ेगा। जितनी जगह ये नगर पंचायत का डैम्पिंग बना हुआ है, वहाँ वहाँ बहुत आफत आ चुकी है, क्योंकि नगर पंचायत से हम खुद परेशान हैं, इसीलिए हम वहाँ पे विरोध करना चाह रहे हैं। ये हमें शासन द्वारा, ये जगह जो है जिला प्रशासन और शासन द्वारा आवंटित हुई है, और इसमें हमने अभी टेंडर कराया है, क्योंकि NGT के नियमों के अनुसार हर जगह कूड़ेदान बनाए जाने हैं,
तो जो भी जगह हमें दी गई है शासन प्रशासन द्वारा उस पर हमने टेंडर कराया है। अब ये आज मेरे सामने पहली बार ये विरोध का एक स्वर उठा है और यहाँ से ये सीमलसैंड के नागरिक जो हैं वो आए हैं, तो उन्होंने ज्ञापन दिया है मुझे और मैं इसमें उच्च अधिकारियों के सामने अपने ये बात रखूंगा और जैसा भी निर्णय वो मुझे आदेश देंगे मैं उस प्रकार काम करूंगा। शहीद स्मारक देहरादून में पीड़ित राज्य आंदोलनकारी मंच के तत्वावधान में राज्य आंदोलनकारियों को देय 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली को लेकर धरना जारी है। राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि यह आंदोलनकारी कर्मचारियों के सम्मान और अस्तित्व दोनों की लड़ाई है और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया जाना बेहद जरूरी है। ये मांग है सिर्फ, हम ये कह रहे हैं कि पूर्व में जो राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सरकार ने 10% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान की थी राज्याधीन सेवाओं में, उस सेवा को उसको बहाल किया जाए, 10% क्षैतिज आरक्षण बहाल किया जाए। ये जो है मामला कुछ और था, कोर्ट में पैरवी कुछ और हुई, शासकीय अधिवक्ता जो है फाइल पढ़ते नहीं हैं, इन्होंने 10% का जो जीवो था वो क्वेश करवा दिया। अब आपके पास क्या विकल्प है? विकल्प यही है, नई नियमावली बनाइए, नया लॉ बनाइए, या जो राजभवन में एक्ट लंबित है उसको पारित करवाइए। हल्द्वानी के कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं कार्यालय कौशल रथ यात्रा का शुभारंभ किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि यह कौशल रथ यात्रा कुमाऊं के सभी पर्वतीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर युवाओं को प्रेरित करेगी। इस कौशल्य योजना के तहत 125 ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लोगों को लाभ मिलेगा और किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। देखिए कौशल रथ को भी यहाँ पे झंडा दिखाया गया और कुमाऊं के सभी मेजर सेंटर्स में जो हमारे मेजर टाउन्स हैं और बल्कि जो और भी हमारे छोटे कस्बे हैं उन सब पे जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अलग अलग तरह की स्किल्स हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो लगभग 125 के आसपास हैं, उनके बारे में हमारे जो युवा हैं इसमें जो इनफैक्ट एज ब्रैकेट 45 तक का है, उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जाएगा कि किस किस तरह की स्किल्स हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसका पर्पज़ यही है कि हम स्किल्स से प्राप्त करते हुए स्वावलंबी बने। और इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि रेजिडेंशियल हैं, जिसमें कि कोई भी पैसा कैंडिडेट को नहीं देना होगा, एक तरह से निःशुल्क हैं। और पिछले जब से प्रोग्राम ये चल रहा है तब से काफ़ी लोगों को प्लेसमेंट भी दिया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि मीडिया के माध्यम से भी इसका अच्छा प्रचार प्रसार हो, युवा इससे जुड़ें, स्किल्ड बने और स्वावलंबी बने। भारत चीन सीमा पर स्थित पिथौरागढ़ का गर्भयांग क्षेत्र प्रतिबंधित है और यहाँ पर इनर लाइन परमिट को लेकर ही पहुंचा जाता है। परमिट में जो अवधि रहती है उस अवधि तक क्षेत्र से लौटना होता है, लेकिन लखनऊ से आई हरमीत कौर परमिट में दी गई अवधि पूरी होने के बाद भी वापस नहीं लौटी है, जबकि उनकी माँ वापस लौट गई है। ITBP और पुलिस दल द्वारा उनको वहां से वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो उग्र रूप अपनाए हुए हैं, वहीं रहने की जिद कर रही हैं।